channel और आज का video बहुत ज़्यादा interesting होने वाला है और highly demanded है, highly requested है. So आज मैं आ रही थी इधर से, so मैंने सोचा कि आपको एक model house दिखाऊं. So हम आज देखने वाले हैं एक model house जिसका price है 4.5 करोड़. जी हाँ बिल्कुल. So आप क्या देखना चाहते हैं कि 4.5 करोड़ का घर कैसा दिखता है अंदर से? तो चलो आ जाओ देखते हैं. आज मैं आपको टूर देने वाली हूँ एक ड्रीम हाउस की. सब लोग सपना देखते हैं एक ऐसे घर का जो उनका ड्रीम हाउस हो, जिनमें उसको सारी लग्जरीज मिल जाए, सारे कंफर्ट मिल जाए. ये इस घर का प्राइस तो आपने अभी थंबनेल पे देख लिया होगा. जी हाँ, ये बिल्कुल ये 4.5 करोड़ का घर है और पैसे तो लगे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत घर है. और मैं आज आपको इस घर का फुल टूर दूंगी, एक एक चीज़ छोटी छोटी दिखाऊंगी कि अमेरिकन हाउसेस में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. तो चलो घूमते हैं. ये है यहाँ का ऑफिस. सो अगर आप काम कर रहे हैं, यूजुअली यहाँ सब काम करने वाले होते हैं, तो अपने घर में एक ऑफिस का सेटअप बना लेते हैं ताकि अगर वो वर्क फ्रॉम होम है तो उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे. बिल्कुल कमरा बना रहता है, बहुत खूबसूरत कर्टन से इसको डेकोरेट कर रखा है. टेबल है, सोफ़ा है और सिस्टम लगा हुआ है, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं. बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. मैं हमेशा से सोच रही थी कि ऐसा ऑफिस तो ज़रूर ही होना चाहिए. सो ये घर से एंटर होते ही है, बहुत लोग यहाँ पर गेस्ट रूम भी बनाते हैं ऑफिस के साथ. सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हम आगे चलेंगे. अभी ये था और ये सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये बंद हो सकता है. इसमें गेट्स भी लगे हुए हैं सो ये बंद भी हो सकता है अगर कोई काम में बिजी है. अब हम आते हैं डाइनिंग स्पेस की बात करते हैं. सो डाइनिंग स्पेस यहाँ पे दो तरीके का होता है, एक फॉर्मल एक कैजुअल. इस डाइनिंग स्पेस की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मल डाइनिंग स्पेस है जहाँ पर प्रॉपर सब कुछ बना, एक रूम की तरह है. और ये जो डाइनिंग स्पेस है ना, ये बिल्कुल दिखावे के लिए होता है कि भी लोग यहाँ यूजुअली बैठते नहीं है. असली डाइनिंग स्पेस जो है मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ. सो हम चलते हैं आगे और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है. सो क्या तैयार है? टन. तो ये है किचन का एरिया जहाँ पे सबको देखना रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मजबूरी भी है क्योंकि खाना पेट पूजा के बिना तो ज़िंदगी चलती नहीं है. सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं किचन. और ये जो चूल्हा है आप देख सकते हैं 5 बर्नर्स हैं इसमें. और ये है इसके स्टॉप ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए बटन्स. और बहुत ही अच्छा फुल्ली फर्निश्ड है, किचन्स है, काफ़ी वार्डरोब्स हैं. इसके जो कलर हैं आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं. बहुत लोगों को लाइट कलर पसंद है, दे कैन गो विद दिस कलर, इस कलर के साथ जा सकते हैं. बहुत लोग उसको ब्राउन या बेज कलर में कराते हैं. सो इस तरीके से ये सारा क्लोजेट बना हुआ है, कुछ कटलरीज रखी हुई हैं. और हम बात करने वाले हैं अब माइक्रोवेव और अवन की. सो माइक्रोवेव अवन बहुत ज़रूरी होता है यहाँ के घर में क्योंकि अगर हम ऑफिस से थके हारे आए हैं और हमें खाना चाहिए, बस निकालो, गर्म करो और काम हो गया. सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. सो जैसे आप देख सकते हैं ये है डिशवॉशर. और डिशवॉशर तो जैसे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है लोगों के लिए. सो मैं आपको थोड़ा सा इसको ओपन करके खोल कर दिखाती हूँ कि कैसा है. ये है डिशवॉशर, आप यहाँ पे अपने बर्तन डाल देंगे और यहाँ पे आप टिकिया लगा के इसको बंद करके इसको यहाँ पे बंद कर देंगे और ऑन कर देंगे. इस तरीके से आपको सारा बर्तन धुल जाएगा. बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा आसान बना देती है हमारी ज़िंदगी. और अभी हम बात करते हैं, ये कॉफ़ी मशीन भी हम यहाँ रख देते हैं ताकि अगर हम कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो हमें मिल जाए. ये है फ्रिज. फ्रिज तो आपको घर के साथ नहीं मिलेगा, आपको खुद का लेना पड़ेगा. तो ये आपको फ्रिज मिल जाता है, आप फ्रिज ले सकते हैं अपने हिसाब से, कस्टमाइज्ड फ्रिज है. और यहाँ पे जो डाइनिंग स्पेस जो मैं अभी बता रही थी, ये बार चेयर्स लगे हैं. सो ये जो स्लैब है काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं. अगर आप पार्टी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी चीज़ें रख सकते हैं. ये लाइट्स भी जो है आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी, साथ में ही मिलेगी. ये चेयर्स हैं, आपको बार चेयर्स जिसको बोलते हैं अगर कोई पीने के शौकीन है, हमारे यहाँ है नहीं बट यहाँ पे बैठ सकता है. अब हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं अपना कैजुअल डाइनिंग स्पेस. तो हम कैजुअल डाइनिंग स्पेस में आप देख सकते हैं प्रॉपर सेटअप की गई है. प्रॉपर टिश्यू विश्यू रख कर खाने के लिए, बस आप खाना लगाओ और तैयार हो जाओ खाने के लिए. और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, बाकी लाइट्स, आई लव दोज लाइट्स. लाइट्स जो होते हैं ना,
आपके जो जगह को और चार चांद लगा देती हैं। सो यहाँ पे लाइट्स भी साथ में ही आपको मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे, और आगे हम चलते हैं और अब हम आ जाते हैं अपनी लिविंग एरिया में। इस लिविंग एरिया काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है, और सबसे खूबसूरत चीज़ पता है इसकी क्या है कि ये 22 फीट ऊंचा है। इसकी जो ऊंचाई है इसको कहते हैं हाई सीलिंग। जैसे ही आप हाई सीलिंग लेते हैं आपके जो घर की प्राइस और भी बढ़ जाती है, और एक हाई फैन लगा है जिसमें लाइट लगी है, ये आपको सब कुछ साथ में ही आता है घर के साथ, और अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पे सोफ़ा लगा सकते हैं, रग लगा सकते हैं, पेंटिंग्स लगा सकते हैं, कर्टन्स लगा सकते हैं, और पीछे जो मैं अभी आपको लेके जाने वाली हूँ वो है बैकयार्ड। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है टीवी, और आप यहाँ पे टीवी लगा सकते हैं। यहाँ पे फायरप्लेस बना हुआ है और कुछ डेकोरेशन के भी सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ आंगन होता है ना, वैसे यहाँ पे होता है बैकयार्ड। तो काफ़ी ज़्यादा हवा बह रही है, थोड़ी थोड़ी हवा है, तो इसको आप जितना चाहें उतना डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। और एक खरगोश भी बैठी हुई है, मुझे बहुत डर भी लग रहा है। बैकयार्ड जो है ना यहाँ का बिल्कुल सबसे हैपनिंग जगह है। शाम के टाइम ना हमें मन करता है, या ठंड में धूप का मन करता है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो ये है बैकयार्ड, और देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से इसको डेकोरेट किया गया पत्थर से। और यहाँ पे भी हम टेबल चेयर लगाते हैं अपनी फैमिली के साथ, अगर हमें बैठ के शाम के टाइम चाय पीना है या ठंड में धूप सेकना है तो ये बेस्ट टाइम। थोड़ी बारिश में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये सारे वाटर प्रूफ चेयर्स होते हैं। आप देख सकते हैं ये लोहे के बने हैं और बहुत ही अच्छा है। लोग यूजुअली गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मुझे भी गार्डनिंग बहुत पसंद है, इसलिए मुझे बहुत लगता है कि मैं यहाँ पे गार्डनिंग करूँगी। बहुत ज़्यादा सुंदर है, पेड़ देख रहे हैं इतना ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप भी यहाँ से आ रही है। और ये देख कितने प्यारे तरीके से इसको डेकोरेट कर रखा है पत्थर से। तो हम यहाँ पर आते हैं, और बहुत लोग यहाँ पे पार्टीज़ भी करते हैं इस तरीके से खुले गार्डन में। जब उनको पार्टी करना है, बर्थडे पार्टी करना है, कुछ भी पार्टी करना है, तो बैकयार्ड में पार्टी करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये बैकयार्ड, जिसको हम आंगन बोलते हैं हमारे यहाँ। सो ऐसे यहाँ अमेरिका में भी होता है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, बट बस एक नाम होता है अलग। आपको ले जाने वाली हूँ इस घर का सबसे मेन हिस्सा, जो कहते हैं जो मास्टर बेडरूम है। सो मास्टर बेडरूम आपको मैं लेकर जाऊँगी, और आप बताना मुझे कि कैसा लग रहा है आपको ये। सो क्या आप तैयार हैं? आ जाओ। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेड लगे हुए हैं, ये है यहाँ का मास्टर बेडरूम, और ये बेड लगे हैं, लैंप्स लगे हैं साइड में, और पेंटिंग्स लगे हैं जो उनके जो चार चांद है ना उसको और ज़्यादा बढ़ा रही है इसके घर को। बहुत खूबसूरत है, और सबसे सुंदर है इसका वॉशरूम। अब हम आ जाते हैं इसके बाथरूम। तो बाथरूम तो इतना अच्छा है कि आप यहाँ सो भी सकते हो। मैं तो जब आई थी नहीं तो मुझे लगा मैं सो ही जाती हूँ यहाँ। सो ये है टब, ये टब है, और मुझे तो लग रहा है मैं इसमें ही सो जाऊँगी, इससे अच्छा क्या मिलेगा। और ये है, आप देख सकते हैं स्लैब है, और यहाँ पे आप ब्रश वश कर सकते हैं। थोड़ा फ्लावर्स से इसको डेकोरेट कर दिया गया है। ये है टब, ये एक और दिया गया है स्लैब, और यहाँ पे है एक और वॉशरूम, यहाँ कुछ क्लोजेट है कपड़े रखने के लिए, और ये है ट्रांसपेरेंट बाथरूम। आप यहाँ पे भी नहा सकते हैं, बिल्कुल होटल वाली फीलिंग आ रही है ना। अगर आ रही होगी तो मुझे ज़रूर बताना, और कैसा लग रहा है, कौन सा भाग आपको घर का सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा। मेरा तो फेवरेट है बैकयार्ड और मास्टर बेडरूम, और आप अपना ज़रूर बताना। ये जो स्टेयर्स है इसको यहाँ पर बोलते हैं सी थ्रू स्टेयर्स, यहाँ सब घर में नहीं होता ये, तो ये भी बहुत ज़्यादा इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। सी थ्रू मतलब कि यहाँ से घर से दिखेगा स्टेयर्स। सो आप सी थ्रू, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये सी थ्रू स्टेयर्स। मैं ऊपर भी देख रही हूँ अगर मैं गिर ना जाऊँ। सो सी थ्रू स्टेयर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो जैसे मैंने भी आपको दिखाया, ये है सी थ्रू स्टेयर्स, और मैं अब ऊपर आ रही हूँ। ये यहाँ का ओपन एरिया होता है, ये एरिया खुला होता है, और यहाँ पे इसको गेम रूम की तरह भी लोग बनाते हैं, इसको गेम रूम ही बोलते हैं बेसिकली। आप अपने शौक का कोई भी गेम यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे टेबल टेनिस लगा हुआ है,
और बड़े बड़े यहाँ पे खिड़कियाँ आपको देखने मिल जाएगी, बहुत खूबसूरत लगती है, काफ़ी ज़्यादा सूर्य की किरणें आती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से पेंटिंग्स और चीज़ों से इसको डेकोरेट किया गया है, इस एरिया को, ये पूरा एरिया खुला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और आप देख सकते हैं कि ये बगल में मीडिया रूम भी है जो मैं आगे आपको लेकर जाऊंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये गेम का एरिया जो है टेबल टेनिस, और बहुत ही अच्छा ये एरिया है, घर के अंदर भी है तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। इसके फ्लोरिंग भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बहुत लोगों को वुडन फ्लोरिंग पसंद है वो वुडन फ्लोरिंग के लिए जाते हैं। और ये देख सकते हैं ये सबसे खूबसूरत है यहाँ का जो है इसका विंडो जो कि खिड़की है और काफ़ी बड़ी बड़ी है और बहुत अच्छे से सन आती है जो मैंने भी आपको बताया, आप कर्टन लगा सकते हैं। और अब मैं आप बढ़ती हूँ आगे और आपको दिखाती हूँ मीडिया रूम। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ ये मीडिया रूम जो होता है ये एक मूवी थिएटर की तरह होता है, जैसे सिनेमा हॉल होता है बस वैसे ही मीडिया रूम होता है, एक छोटा सिनेमा हॉल जिसको हम कह सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर लगा है, सोफे लगे हुए हैं, स्पीकर्स लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत है ये, और ये एरिया बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब हम जा रहे हैं आगे और ये बिल्कुल एक कॉरिडोर की तरह बना है, आप वॉल्स पे पेंटिंग लगाते हैं तो वो आपके घर को और चार चांद लगा देता है। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ एक खूबसूरत सा कमरा। जी हाँ बिल्कुल, सो इस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं इस कमरे को, आप उसमें सारे फर्नीचर्स लगा सकते हैं, एक कुछ थीम डिसाइड कर सकते हैं, पेंटिंग्स लगा सकते हैं। सबसे खासियत ये है कि ये जो घर है इसमें काफ़ी ज़्यादा सूर्य की किरणें आती है, और ये बना हुआ है यहाँ पे क्लोज़ेट रैक्स लगे हुए हैं, इसमें आप कपड़े रख सकते हैं। और यहाँ पे जो घर होते हैं, जब मैं इंडिया से यहाँ आई तो मुझे पता पड़ा कि यहाँ पे जो गोदरेज या कबर्ड्स का सिस्टम कम है, यहाँ पे क्लोज़ेट्स होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक रूम के साथ क्लोज़ेट दिया रहता है जहाँ आप सामान रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब हम देखते हैं यहाँ का ये बेडरूम से अटैच्ड वॉशरूम। सो ये वॉशरूम बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि अगर कोई बेडरूम में सोया है तो उसको नीचे फ्लोर पे या ऊपर नहीं जाने की ज़रूरत है, हर रूम से अटैच्ड वॉशरूम है, सो आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। इसके भी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको यहाँ पर हर वॉशरूम में टब देखने मिल जाएगा, बिल्कुल होटल वाली फीलिंग आ रही है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये है यहाँ का वॉशरूम जो जैसे मैंने अभी आपको बताया टब है यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे सारे घरों में टब होते हैं, मुझे जब मैं इंडिया में थी तो मुझे टब बहुत पसंद था, और यहाँ पे तो आपको हर घर में देखने मिल जाता है, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है आपके वॉशरूम को। और हम बढ़ते हैं आगे और ये देख सकते हैं ये है अगला बेडरूम। जी हाँ बिल्कुल, सो ये एक और बेडरूम है, इससे भी आपको बाहर देख सकते हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हुई है, अपने हिसाब से आप बेड लगा सकते हैं ज़मीन पे, जो यहाँ पे कारपेटेड ये फ्लोरिंग जिसको हम कह सकते हैं, तो वो जैसे ठंड में आप सोकर उठते हैं तो आपको ठंड नहीं लगेगी, आप बिल्कुल फुल्ली जो घर में पूरी तरीके से कारपेट लगा है, ये जो सीलिंग पे लाइट लगे ये आपको घर के साथ ही मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल शाम के टाइम में बहुत बहुत प्यारा लगता है। अगेन यहाँ पे आपको क्लोज़ेट देखने मिल जाएगा जिसमें आप कपड़े रख सकते हैं, अपने अपने ज़रूरत के सारे सामान रख सकते हैं, हर रूम के साथ ये एक अटैच क्लोज़ेट रहता है जिसमें आपकी लाइफ और भी इजी हो जाती है। सो ये था दोनों कमरा जो मैंने आपको दिखाया, आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, कॉमेंट करके बताना। और अब मैं एक लुक दे रही हूँ आपको कि इस रूम से बाहर कैसा दिखता है, और हम बढ़ते हैं आगे और ये है कॉरिडोर, आप ऊपर से यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, ये है इसका व्यू, है ना बहुत खूबसूरत। सो अभी मैं नीचे हूँ और ये है यहाँ से लुक, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और हम देखने वाले हैं, अब हम नीचे जाने वाले हैं, तो ये है इसका स्टेयर केस का लुक और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। सो मैं अब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही हूँ और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है, ये है इसके स्टेयर केस का लुक, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरती इसकी यही है।
आप ऊपर से नीचे देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे भी लैंप्स लगे हैं, आप इस हिसाब से अपनी कस्टमाइज कर सकते हैं। सो ये वुडन फ्लोरिंग आपको आपके बिल्डर्स पूछते हैं, आप आपके हिसाब से लगाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और रूम्स में जैसे मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे कार्पेटेड रहता है, फुल्ली कार्पेटेड रहता है। और जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे ये हॉल, ये इस तरीके का दिखेगा। इसके जो विंडो है काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, खिड़कियाँ बहुत खूबसूरत है। ये जो व्यू है ऊपर से नीचे का है, ये आपको हॉल दिखा रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अपने हिसाब से आप यहाँ पे सोफ़े लगा सकते हैं और जिसको जितना मन है उतना डेकोरेट कर सकता है। और क्योंकि बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं तो वो और ज़्यादा सुंदर लगती है। कर्टन्स लगा सकते हैं जैसे यहाँ लगाया गया है। बैकयार्ड तो मैंने आपको दिखा ही दिया। और ये है यहाँ पे फैन जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है इसमें। So, अब बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? और आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। So, आज मैं वीडियो यही एंड करती हूँ। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना जरूर और शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली से। और जरूर बताना मुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे आपसे शेयर करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलो बाय।